कि दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। यह क्वांटिटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए के शासनकाल में 2006 से 13 के बीच में सिर्फ 768 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदी हुई थी पूरे भारत में। ये वो दौर था 768 करोड़, ये वो दौर था जब मुंबई से लेकर पंजाब तक ड्रग्स की गिरफ्त में था। और अगर एक जगह पे 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और ये भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी, उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है, यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं, लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby pleased to appoint you as chairman RTI department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Alavar ji in charge Indian Youth Congress and Sri Srinivas BV the president. अब बताइए, अब हमारा सीधे उनसे सवाल है, अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। मामला इतना ही नहीं है, अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। फोटो तो कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ना सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है, तो अब ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, जिसमें हमारे दो तीन प्रमुख सवाल हैं। नंबर वन, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पज से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती है। ये तीन सवाल देश की जनता के सवाल हैं,
और ये शक पैदा करते हैं, कांग्रेस को स्पष्टीकरण चाहिए। और ये इसलिए गंभीर सवाल है क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध हैं, और मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से भी कहना चाहता हूं, किसी देश को बर्बाद करना हो तो दो प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता है, एक उस देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा करो और दूसरा सीधे उसकी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। आज हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में भ्रम पैदा करने के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों संस्थानों के साथ कांग्रेस पार्टी के संबंध यदा कदा उजागर हो रहे हैं। अब देश के युवाओं को सीधे नशे में इन्वॉल्व करने वाले इतने बड़े कांड के साथ कांग्रेस के ऑफिशियल पदाधिकारी का सीधा संबंध उजागर होना बहुत गहरे और खतरनाक संकेत देता है, अर्थात देश कितने गहरे और गंभीर संकट में आ सकता है इन लोगों के हाथ में थोड़ी सी भी शक्ति आने से, यह आप बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं। तो हम इसलिए आज इस विषय के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पुनः अपने तीन सवाल कांग्रेस से दोहराते हैं। नंबर वन, इस मुख्य आरोपी तुषार गोयल जो कि कांग्रेस का पदाधिकारी है, जिसका नियुक्ति पत्र उपलब्ध है, उसका कांग्रेस के साथ किस प्रकार का संबंध है? सिर्फ राजनीतिक संबंध है या व्यवसायिक संबंध भी है? दिस रिलेशनशिप इज ओनली पॉलिटिकल और देयर इज आल्सो ए फाइनेंशियल डायमेंशन इन्वॉल्व। दूसरा, ये जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है, क्या ये पैसे की जानकारी कांग्रेस पार्टी को है और क्या इससे पहले भी पैसे आ चुके हैं? तीसरा, इस प्रकार के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाकर क्या कांग्रेस ने ड्रग के किसी नेटवर्क के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का क्या ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है कि उन्हें आश्वासन दिया हो कि यदि उनकी सरकार आएगी तो जैसे पंजाब ड्रग्स की गिरफ्त में आया वैसे ही हरियाणा को भी वो उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे? और इस विषय में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हुड्डा परिवार को इस बारे में जवाब देना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे कांग्रेस के युवा नेता हैं, उनके साथ फोटो और उनका नंबर। तो जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहिए और जवाब हरियाणा कांग्रेस से चाहिए और जवाब हुड्डा परिवार से चाहिए। धन्यवाद। इन सारे विषयों के ऊपर स्थानीय सरकारों के स्थापित नियम हैं और उन नियमों के अनुसार जो भी युक्ति संगत निर्णय होता है वो प्रदेशीय सरकार लेती है। पश्चिम बंगाल की सरकार जिस प्रकार की दमनकारी कार्रवाई करती है, और अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में अपराधियों का गढ़ बन चुका है और वह गढ़ तृणमूल कांग्रेस की छत्र छाया में वैसे ही है जैसे किसी दौर में लालू प्रसाद यादव जी सरकार चलाते थे। आज ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जी उसी नक्शे कदम पर दिखाई पड़ रही है। देखिए, पहले तो कांग्रेस के कर्नाटक सरकार के किन किन मंत्रियों के विवादित बयानों पर जवाब दिया जाए। चुनाव से पहले आपको याद हो कि वो डीके सुरेश ये बोल दिए थे कि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता तो हम अलग हो सकते हैं। इनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं सतीश जारकीहोली, जब कार्यकारी अध्यक्ष थे तो बोले थे हिंदू शब्द गंदा है। खड़गे जी के बेटे हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या बोल चुके हैं। अब रही बात सावरकर की, तो मैं स्वातंत्र वीर सावरकर के संदर्भ में कांग्रेस को सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि स्वातंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के इकलौते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें दो जन्मों का कारावास हुआ था। चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का कोई एक नेता बताए जिसको दो जन्मों का कारावास हुआ और उन्हें काला पानी हुआ था। मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक व्यक्ति बताए स्वतंत्रता आंदोलन में जिसे काला पानी हुआ। और
जिस वर्ष में हुआ है, सावरकर जी को सजा 1910 में हुई, आप सब जाइए और चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विलियम वेडनबर्न, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के हुक्मरान के पैरों तले बैठे थे 1910 में, जिस वर्ष ब्रिटिश सरकार वीर सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर काला पानी की सजा दे रही थी। मुझे लगता है बस ये तथ्य काफी है ये बताने को कि जिन लोगों ने, जिनके कभी राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता ने, आप बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया, नंबर दो कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जिसको फांसी हुई हो, नंबर तीन कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बताइए जो काला पानी हुआ हो, नंबर चार लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके अलावा राष्ट्रीय स्तर का एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो और लाठियों की वजह से वो गंभीर चोट की वजह से मारे गए हो, मगर उसके बावजूद जो ना लाठी खाए ना गोली खाए ना फांसी पे गए ना काला पानी में गए, आजादी उन्होंने दिलाई, जिनके लिए मुझे वो पंक्ति याद आती है कि नौरंगी ये सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और वही आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए जांच एजेंसियां तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्य कर रही हैं, और जो जो जांच आगे बढ़ेगी, जिस जिस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, पूछताछ अथवा चार्जशीट का कार्य ये न्यायिक प्रक्रिया की देखरेख में जांच एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए ये बहुत स्थापित और व्यवस्थित रूप से भारत में घुसपैठ, और उस घुसपैठ को राजनीतिक और संवैधानिक संरक्षण विगत कई दशकों से दिया जा रहा था, और मोदी जी की सरकार आने के बाद ही उसके ऊपर एक नियंत्रण आया है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपको याद हो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी कुछ दिन पहले का तो बयान है, जब उनसे कहा गया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही, तो उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में ज्यादा बढ़ रही है। तो पहली बात तो यह कि झारखंड की सरकार ने मान लिया कि उनके यहां बढ़ रही है, और दूसरा यह भी स्थापित कर दिया कि इंडी गठबंधन का जो दूसरा राज्य है वहां सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और मैं पुनः यह फैक्ट आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करे देना चाहता हूं, इसका इंडी गठबंधन से क्या कनेक्शन है, इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को असम की धुबरी सीट पर मिली है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, और असम और पूर्वोत्तर में धुबरी के बारे में यह आम जनश्रुति है, आम धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो शीश महल ने उनके अंदर के ख्वाबों को जिस तरीके से शीशे की तरह साफ कर दिया है, अब वो कुछ भी कर लें, मुझे लगता है अब वो बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी जो एक साधारण सी टी शर्ट पहन के रेनॉल्ड का पेन लगाकर चलते थे, उनके शीश महल में 1 करोड़ रुपए की लागत के पर्दे लगे थे, कई लाख रुपए की कीमत के कमोड लगे थे। तो इस ढंग से अब यह साफ हो गया, अब वो चाहे किसी भी घर में चले।